बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड फिजिक्स मैथ हाउस के तमाम सब्सक्राइबर्स को खुश आमदीद। और सबसे पहले काइंडली एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने जो पहले फिजिक्स की टेंथ की जो है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, तो नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम नाइन्थ के जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है नाइन्थ की फिजिक्स का, उसका ये जो पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई टॉपिक वगैरह समझ ना होगा तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमें इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हम कर देंगे उसको दोबारा से, उसको उसकी वीडियो बना देंगे। तो ये जो है पहला उसका न्यूमेरिकल है प्रीफिक्स से ज़ाहिर करें, ठीक हो गया। तो प्रीफिक्स से ज़ाहिर करना, ये जो आपको उसने फिगर्स दिए हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इनको कहते हैं हमने प्रीफिक्स से ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको पता होगा प्रीफिक्स वो अल्फाज या हरूफ होते हैं जो कि ऐसा ही यूनिट्स के शुरू में अजाफी तौर पर लगाए जाते हैं, जैसे किलो, मेगा, सेंटी वगैरह वगैरह, माइक्रो। तो इसका आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक हो गया। आपने उस टेबल से वो जो है उसकी जो कीमतें हैं वो सबसे पहले याद करनी है। तो वो उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट आएगी वो मैं साथ साथ उसके पॉइंट्स में लिखता जाऊंगा, आपने साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है इसका सोल्यूशन, ये उसकी स्टेटमेंट है सारी न्यूमेरिकल की, ठीक हो गया। ये आपको पाँच नंबर का आना है, चार नंबर का आपको मैंने बताया था चोरी होनी है, पाँच नंबर का उसके साथ प्रैक्टिकल उसका न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल भी, ये भी कई दफ़ा आ चुका है पेपर में, तो आपने बस तैयार होना है, साथ साथ तैयारी करनी है। तो इसको जी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ए पार्ट का, ठीक हो गया। ए पार्ट इसका ये देखिए, इसे लिखा हुआ है 5000 ग्राम, 5000 ग्राम जी फॉर ग्राम, छोटा जी। अब इसमें कहता है कि इसमें कोई ना कोई प्रीफिक्स लेके आना है आपने, और प्रीफिक्स आपने कहाँ से लेके आना है, इसी में से, रकम में से, इसी नंबर में से लेके आना है। तो प्रीफिक्स आपने कहाँ से लेना है और कौन सा प्रीफिक्स आएगा वो आपने इसकी जीरो से, यहाँ से आइडिया लगाना है कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम आसानी से। वैसे तो किसी भी रकम को किसी भी प्रीफिक्स में तोड़ सकते हैं, किसी भी रकम को किसी प्रीफिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन आपने जो सबसे ईजी जो उसके उससे मिलता जुलता उसके करीब करीब है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आए इससे स्टार्ट करते हैं 5000 ग्राम। तो सबसे आसान इसका तरीका ये है कि हमने इक्वल टू, जब भी नया स्टेप स्टार्ट करना है उसके शुरू में बराबर की नामत आएगी, 5000 को सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1000 इसके साथ ग्राम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है उसके उसमें ये देखें, ये जो 10 की ताकत है 1000 है, इसको अब हमने चेंज करना है। तो 10 की ताकत है ये 3 बनेगी, 10 को 10 से ज़रब करेंगे 100 बन जाएगा, 10 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1000। अब ये देखिए, इधर मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, 1000 किसके बराबर होता है 10 ज़रब 10 ज़रब 10। तो ये आपने कुव्वत नमा के कवानीन आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बनाएंगे, आपने पढ़े होंगे कि अगर एक जैसे बेस वाली रकमें ज़रब खा रही हों तो उनकी ताकतें क्या हो जाती हैं जमा। तो ये 10 की ताकत 1 1 1 ये बन जाएगी, 10 की ताकत 3 बन जाएगी। इसका आसान तरीका भी है, अगर कुव्वत नमा कवानीन जिस बंदे को नहीं भी आते वो परेशान ना हो, क्या करेगा आपने क्या करना है, जीरो गिन लेने हैं, एक के साथ कितने जीरो लगे हैं उतनी 10 की ताकत लिख देनी है शॉर्टकट आपने। तो ये बन जाएगा 5 × 1 के साथ 3 जीरो लगे हुए हैं, तो ये बन जाएगी 10 की ताकत 3 और साथ में ग्राम आ जाएगा। अब आपने उसी टेबल पे जाना है जो कि प्रीफिक्स का टेबल आपकी बुक के पहले चैप्टर में है, प्रीफिक्स की जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई उसके साथ टेबल बना हुआ है। तो उसमें आपने जाके देखना है कि 10 की ताकत 3 पे पहुंच जाना है, 10 की ताकत 3 कहाँ पे लिखी हुई है। 10 की ताकत 3 आप देखेंगे तो आपको उस टेबल में नजर आएगा कि 10 की ताकत 3 का दूसरा नाम प्रीफिक्स में किलो है। तो ये बन जाएगा आपका 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 की ताकत 3 जो है ये जो है ये टेबल में देखें लिखा होगा किलो जो है ये 10 की ताकत 3 है, बराबर होता है किलो 10 की ताकत 3 के। तो ये बन जाएगा आपका 5 और 10 की ताकत 3 खत्म हो जाएगी, इसका किलो बन जाएगा 5 किलोग्राम। ये किलो आपका प्रीफिक्स आ गया, ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। आप आते हैं इसके बी पार्ट में, बी पार्ट जो है वो है 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 0 लगे हुए हैं, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 0 साथ में W लिखा हुआ, W फॉर वाट, ठीक हो गया, ये इसका यूनिट है। अब इसमें प्रीफिक्स लेके आना है, कौन सा लेके आएंगे ये देखें। अब जैसे देखें 5000 को मैंने तोड़ा था 5 ज़रब 1000,
पाँच को हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 बन जाएगा। ऐसे दो के साथ ये आइडिया नहीं कि इधर हमने काम क्या किया है, हमने क्या किया है पाँच लिखा है पैसे और एक लिखे उसके साथ जितने जीरो थे वो लगा दिए हैं। अब यही प्रिंसिपल हम इधर इस्तेमाल करेंगे, इधर लिखा हुआ है दो तो हम इसको लिखेंगे दो ज़रब, जैसे एक के साथ तीन जीरो थे तीन जीरो लिख दिया, अब इधर एक दो तीन चार पाँच छः जीरो हैं तो ये आ जाएगा दो ज़रब एक के साथ छः जीरो लगा दें, एक दो तीन चार पाँच और छः और साथ में वाट दब्यू वैसे लिख देना है। अब हमने देखना है कि टेबल में जो इससे मिलता जुलता प्रीफिक्स है वो कौन सा बन रहा है। अब ये अगर आप गौर करेंगे देखें हज़ार था इसको दस की ताकत तीन लिखा हमने, यानी कि मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका कि जितनी एक के साथ जीरो लिखे हुए हों उतनी दस की ताकत लिख देनी होती है आपने। आप दस एक के साथ तीन जीरो हों तो दस की ताकत तीन, अगर एक के साथ छः सिफर हों तो ये दस की ताकत छः बन जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा दो ज़रब दस की ताकत छः वाट आ जाएगा। अब आपने फिर उसी टेबल पे जाना है, वो टेबल आपको जिस बंदे को वो टेबल आता है उसके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं, उसका किसी ना किसी न्यूमेरिकल में कोई ना कोई प्रीफिक्स आ जाता है माइक्रो नैनो पिको वगैरह वगैरह, तो वो आपने टेबल में से जो मशहूर मशहूर हैं वो आपने याद कर दें जो लाजमी आपको आना चाहिए। तो ये दस की ताकत छः आप टेबल में देखोगे इसको क्या कहते हैं मेगा, दस की ताकत मैं लिख देता हूँ किलो की दस की ताकत तीन मेगा को बड़े एम से दार करना है, ठीक हो गया बड़ा एम लेके छोटा एम जो छोटा जो एम होता है वो मिली को दार करता है, वो तो दस की ताकत माइनस तीन होती है, तो मेगा जो होता है बड़ा एम ये होती है दस की ताकत छः, दस की ताकत छः जहाँ पे लिखा हो उसको मेगा लिख सकते हैं, जहाँ पे मेगा लिखा हो उसको दस ताकत छः लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं हमने इसको प्रीफिक्स में लेके आना है, तो ये बन जाएगा दो बार ये दस की ताकत छः जो होती है वो टेबल कह रहा है कि इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है मेगा, तो ये आपका बन जाएगा मेगा वाट डब्ल्यू साथ वैसे ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें प्रीफिक्स कौन सा आ गया मेगा, ठीक हो गया दो पार्ट इसके हो गए। अब तीसरा पार्ट सी पार्ट जो है उसको मैं करता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, आप इसकी जगह पे मैं सी पार्ट करता हूँ इसका, तो जो हमने इधर लिखे हुए हैं मैं दोबारा की पॉइंट्स इसके लिख रहा हूँ। हमने किलो यूज किया था, किलो होता है दस की ताकत तीन, आपने ये याद रखने का टेबल नहीं तो ये जरूरी जरूरी जो बार बार आ रहे हैं वो आप इधर से सीखना शुरू कर दें, अभी से तैयार करना शुरू कर दें, दस की ताकत छः होती है मेगा, ये दो हमने यूज करनी है, इनकी कीमत आपको मरूजी में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी इनके सब की कोई भी वैल्यू वो पूछ सकता है। तो सी पार्ट जो है इसका हम कर रहे हैं, सी पार्ट में वो कह रहा है 52 52 सी पार्ट इसका जो है 52 52 दरबे दस की ताकत है माइनस दस किलोग्राम। आप हैरान होंगे बल्कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें इसमें उसने पहले किलो इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक हो गया, तो इसमें तो पहले किलो लगा हुआ है, तो अब वो क्या चाह क्या रहा है उसकी मर्जी क्या है वो क्या करवाना चाहता है हमसे, असल में उसका मकसद ये है कि वो ये चाहता है कि ये किलो जो मैंने पहले लगाया वो इसको ख़त्म करें, इसकी जगह पे कोई और प्रीफिक्स लेके आए, कहता है प्रीफिक्स से ज़ाहिर करें और प्रीफिक्स खुद ही लगा के दे रहा है हमें, इसका मतलब है ये प्रीफिक्स उसको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने वो प्रीफिक्स लेके आना है जो किलो ख़त्म करने के बाद कोई नया प्रीफिक्स इसमें ऐड करें। तो इसका तरीकाकार क्या करना है आपने यही करना है 52 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 10। अब ये देखें ये मुसावात होती है, इधर से आप इधर जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं, किलो हो तो 10 की ताकत 3 और 10 की ताकत 3 हो तो किलो। अब इधर ये देखो किलो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, किलो लिखा हुआ है कि किलो की जगह पे अब हमने 10 की ताकत कितनी लिख देनी है ज़रब 10 की ताकत, ये देखो इसकी वैल्यू 10 की ताकत 3 किलो मैंने खत्म कर दिया, उसकी कीमत पुट कर दी इसमें, ये बन जाएगा 52 52 10 की ताकत है। अब ये देखें अब ये भी 10 है ये भी 10 है, आपने मैथ के दूसरे चैप्टर में लाजमी ये सीखा होगा कि बेस एक जैसे ज़रब खा रहे हो तो उनकी ताकतें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं जमा हो जाती हैं, रूल मैं लिखने लगा उधर इसका रूल आपने ये पढ़ा हुआ है, एक की ताकत एम ज़रब एक की ताकत एन हो तो एक की ताकत एम जमा एन, ठीक हो गया। मैथ और फिजिक्स ये अक्सर एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मैथ के फार्मूले फिजिक्स में फिजिक्स के मैथ में ये सब सेम चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये कुव्वत नुमा का कवानीन जो है दूसरे चैप्टर में आपने पर 2.4 पे लगाते हो आप उधर जाके तो ये इसमें भी आ रहे हैं, ये देखो ये 10 इसकी बेस 10, तो क्या करेंगे इसकी ताकत जमा कर लेंगे, ताकत बन जाएगी माइनस 10 प्लस 3 और साथ में ग्राम आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 52 ज़रब 10 की ताकत, अब हाल ही में आपको पता होगा ये माइनस का 10 है जमा कितना है 3, जमा के 3 के साथ माइनस का 3 कट जाएगा तो 10 की ताकत रह जाएगी माइनस 7 ग्राम। अब आपने क्या करना,
अब आपने जाना है, फिर आपने कोशिश करनी है टेबल पे जाने की, टेबल पे जाके आपने कोशिश करनी है 10^-7 की कीमत देखने की, आपको मिलनी नहीं है। टेबल में 10^-7 जो है वैल्यू है, इसके नाम का कोई प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, इसकी करीब करीब देखना है कौन सा प्रीफिक्स है। तो लाजमी तौर पर जब आप टेबल देखोगे आपको नजर आएगी उसमें 10^-6 उसका नाम होगा माइक्रो। तो 10^-6 का नाम तो माइक्रो है, -7 का कोई नहीं है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, क्या करना है, 10^-7 को फिर तोड़ना है इधर से, तो ये बन जाएगा 52। जरा 10^ आप देखना, -7 को मैंने तोड़ना है -8 और जरा 10^-6 और 7 में का नाम। इधर मैंने क्या किया है ये देखें, ये कानून इस्तेमाल किया है, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। 10^, ये देखें एहसास एक जैसे जरब खा रही है, ताकतें जमा कर दी। अब -7 को मैंने तोड़ा, 10^-6 अलग कर दी, 10^-6 अलग कर दी। अब ये -6 और -1 अगर वापस जाएंगे इस कानून को इस्तेमाल करते हुए, तो ये वापस 10^-7 बन जाएगी। अब हमने वापस नहीं आना, हमने 10^-7 को तोड़ा है। अब ये जो है 10^-6, ये टेबल हमें कहता है, तो इसको क्या कहते होते हैं, माइक्रो। टेबल में इसका नाम है माइक्रो, तो मैं लिख देता हूँ। ये भी आपके पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने भूलने नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कहीं भी आगे भी न्यूमेरिकल किसी में भी आ सकते हैं। तो ये इसको मैं साफ करता हूँ, तो ये देखें नया प्रीफिक्स आपको आ जाएगा माइक्रो। माइक्रो को छोटे यू से ज़ाहिर करते हैं, इसकी कीमत होती है 10^-6। ठीक हो गया, ये अभी तक आपके पॉइंट्स हैं जो आपने न्यूमेरिकल जो पैदा करना है, यही आगे भी इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे, बार बार आएंगे। तो इसका आप क्या करना है, ये तो माइक्रो बन जाएगा, 10^-6 का बड़ा आसान है, जिसकी ताकत माइनस में आपको पता है, अगर उस रकम को बटे में ले आए उसकी ताकत किस में हो जाती होती है, जमा में। कहाँ से मैंने कह रहा हूँ, मैं रूल का हवाला दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे ये रूल आपने पढ़ा वहीं पे आपने एक और रूल पढ़ा था, अगर ए की ताकत हो -m तो अगर इसको हम प्लस में करना चाहें तो इसको बटे में लिख देंगे, बटे में आके इसकी ताकत क्या होती है, जमा में हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 52 ये 10^-1 सारी रकम बटे में 10 आ जाएगा, 10^ जमा एक लिखेगी बन जाएगी। आप 10^1 लिखते नहीं होते, ये पुराने जमाने में होता था, अब नया जमाने है, एक लिखो या ना लिखो, अगर ना भी लिखेंगे तो एक मौजूद रहता है, 10 आ जाएगा इसके साथ। ये 10^-6 जो है, ये जो है ये बन जाएगा माइक्रो और ये 7 ग्राम, यानी कि 10^-6 जहाँ पे लिखा हो उसको माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो लिखा हो तो उसकी 10^-6 कह सकते हैं। तो इधर 52 को आपने 10 पे आप डिवाइड कर देना है, 52 को 10 पे डिवाइड करेंगे ये आपका बन जाएगा 5.2। 52 को 10 पे डिवाइड करेंगे और 7 में माइक्रो और 7 में ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका सी पार्ट का। ठीक हो गया, ये सी पार्ट बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये बेसिक से छोटे छोटे रूल हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये प्रीफिक्सेस हैं इनका पता होना चाहिए। अब इसका चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट, डी पार्ट में करता हूँ, वो देखते हैं हम, डी पार्ट क्या क्या है इसका। अब इसका जो डी पार्ट में करने लगा हूँ, 225 डी पार्ट में इधर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 225 जरब 10^-8। अब इसको आपने क्या करना है, ये देखें आप 10^-8 जो है इसके साथ सेकंड लिखा हुआ है, 10^-8 जो है इसकी आप अगर टेबल में कीमत देखेंगे आपको 10^-8 की कीमत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो -8 की कीमत अगर नहीं मिलती तो हमने जो काम इधर किया था इसमें 10 में उस 7 के आसपास इर्द गिर्द आगे पीछे देखा कोई रिजल्ट मिलता हो, कोई पावर मिलती हो, तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट को किया है उसको सी पार्ट को। ये बात है 225 जरबे 10^-8 अब -8 जो है इसको अगर मैं इसी तरीके से जैसे ये इसको -7 को थोड़ा सा बिल्कुल सेम वही स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूमेरिकल करेंगे दूसरा तीसरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह ये सारे क्लियर हो जाने, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। अब -7 को तोड़ूंगा मैं 10^-2 जरब 10^-6 7 में सेकंड, ये क्यों थोड़ा हुकूमत माँ का कवा नहीं, ये देखें 10 10 बेस एक जैसी है, सास एक जैसी है, रकमें क्या खा रही है, जरब खा रही है, तो ये कानून कहता है ताकतें इनकी क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएगी। अब -2 में -6 जमा करेंगे तो वापस -8 आ जाएगा। अब मैंने -8 जो था इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया है, 10^-2 में और 10^-6 में। अब क्या होगा, 225 ये देखें ये 10^-2 इसको हमने किसी ठिकाने लगाना है कि साइड पे लेके जाना है, जैसे 10^-1 को बटे में लेके आए थे
ऐसे इसको भी बटे में यही कानून लिखा हुआ मैंने, ये देखो तो ये 10^-2 बटे में आके 10^-2 बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जरब 10^-6 बन जाएगा, और अभी आपको देखे वही चीज दोबारा से आ गई है, 10^-6 जो होती है फिर आ गई है, 10^-6 का नाम है माइक्रो म्यू यू छोटा यू, तो ये बन जाएगा 225 225, और बटे में 10 का स्केल कितना होता है 100, 10 का मतलब 100, इसका माइक्रो बना दें इसका सेकंड बना दें, ये बन जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स आ गया, ये आपका पहला जो है पार्ट जो है 1.1 मेडिकल आपका कवर हो गया। तो ये देखिए आप इसमें कोई भी मसला मसाइल नहीं है, बड़ी आसानी से हो रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई किसी कोई पॉइंट जिसकी आपको जिसका आपको पता ना चला हो, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, दोबारा से मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। तो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल जो होगा आपका 1.2 जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसकी वजह ये कि अगर हम एक ही बार ये लगातार करवाते जाएंगे, एक न्यूमेरिकल को करने में तो कोई मसला नहीं है कि या 2 मिनट में भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारा इधर मकसद ये है कि जिस बंदे को बिल्कुल नहीं आता न्यूमेरिकल, वो बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल से, वो हमारे साथ साथ चले, आराम आराम से हम उसको समझाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है ये इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लें, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है 1.2 और 1.3 लगातार आ रहे हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी बात ये है कि अगर आपने हमारा चैनल फिजिक्स मैथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पे उस बंदे को सब्सक्राइब लाजमी करवाएं जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।